फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि जूलॉजी ऑनर्स वालों जो स्टूडेंट है तो उसको हर सब्जेक्ट अगर ऑनलाइन प्रॉपर तरीके से कैसे मिलेगा, तो वो तो जानते मेरे ही चैनल से मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले जूलॉजी, तो जूलॉजी ऑनर्स वालों के लिए मैं जो वीडियो बनाऊँगा सभी मतलब होंगे पाँचों सब्जेक्ट का, जैसे जूलॉजी सभी को तो ऑनर्स तो रहेगा ही, उसके बाद केमिस्ट्री सब्सिडियरी में भी रहता ही है, उसके बाद थर्ड में देखेंगे तो बॉटनी भी रहता है, ये भी सब्सिडियरी रहता है, बॉटनी सब्सिडियरी। उसके बाद फोर्थ में एक तरीके से उसको हिंदी लेना होता है या हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी 50 मार्क्स के और यहाँ पर इंग्लिश भी 50 मार्क्स के उसको रहते हैं। ये देखेंगे तो अगर सिलेबस में इस तरीके से देखेंगे तो ये रहता है, तो इस प्रकार से टोटल देखेंगे तो ये 200 मार्क्स का पूछा जाता है, ये 100 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का, तो इस प्रकार से देखेंगे तो टोटल मिलाकर 500 नंबर का ये हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर जिसको अगर लेना हो तो केवल वह हिंदी ही ले सकता है, जो कि अगर हिंदी 100 नंबर का रहता तो इस प्रकार से टोटल जोड़ते हैं तो ये 500 नंबर का हो जाता है। ये हमें एक साल में इतना सारा पढ़ना पड़ता है, ये इसका टाइम देखेंगे तो टोटल का ड्यूरेशन पर 5 साल में पढ़ना पड़ता है, मतलब सॉरी एक साल में ख़त्म करना होता है। तो देख सकते हैं कि एक साल में किस प्रकार से हमें पढ़ेंगे, 1 ईयर में यह पढ़ना है। तो उसे पर उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले जूलॉजी का सिलेबस, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जूलॉजी सब्सिडियरी जानेंगे, फिर उसके बाद बॉटनी सब्सिडियरी जानेंगे, हिंदी और इंग्लिश जानेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे सिर्फ जूलॉजी ऑनर्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ये जो ऑनर्स बता रहे हैं यह बिहार यूनिवर्सिटी का है, बिहार यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार है। तो आज हम जानेंगे जूलॉजी ऑनर्स वाले बच्चों के लिए कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जूलॉजी जानते हैं, अगर मेरे ही चैनल से आप पढ़ेंगे तो जूलॉजी का बिहार यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस रहेगा वो सभी आपको मिल जाएगा इजीली, यूट्यूब से और प्ले लिस्ट में ये खोजेंगे, इसी को हम दूसरा पेज में लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिख देते हैं, यानी कि जूलॉजी सिलेबस, जूलॉजी ऑनर्स सिलेबस, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे तो जूलॉजी सिलेबस में 2 पेपर होता है, मतलब 2 बार जो जूलॉजी का एग्ज़ाम होगा 2 बार देना होगा। जैसे क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे जूलॉजी ऑनर्स वाला को पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देख सकते हैं पेपर ये है और फिर इस साइड हम देखते हैं तो एक पेपर यहाँ तक है, मतलब ये पेज तो पूरा रहेगा और साथ में ये भी रहेगा। तो इस प्रकार से देख लें कि पेपर 1 ये एक बार एग्ज़ाम देना होगा, फिर उसके बाद अगला दिन देना होगा आपको इस पेपर का एग्ज़ाम। तो ये 100 नंबर का होता है जो पेपर 2 और ये पेपर 1 100 नंबर का, तो ये क्या क्या है तो वो हम आप सब जानेंगे। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं, जो यहाँ पर लिखा है पेपर जूलॉजी ऑनर्स का पेपर 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं पेपर 1, तो इसमें एक तरीके से क्या दिया रहता है कि ये यहाँ पर लिख ही देते हैं कि सबसे पहले टाइम तो 3 आवर का रहेगा। ये एक बात एक नोट्स में याद करना है कि जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था मतलब उसमें 200 नंबर है, तो यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से हुआ है, केवल देख सकते हैं यहाँ थ्योरी भी लिखा हुआ है यहाँ पर, उस समय 2020 में हुआ था तो पूरा ऑब्जेक्टिव था ही, ऑब्जेक्टिव टोटल था। तो ये नॉर्मली यही चलते आ रहा है बहुत सालों से। तो टाइम रहता है 3 आवर्स में पेपर 1 को सॉल्व करना रहता है। तो पेपर 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो वही बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन,
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 1x15 विद अल्टरनेटिव शॉर्ट आंसर रिक्वायरिंग क्वेश्चंस। मतलब यहाँ पर है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा 15 क्वेश्चन रहेंगे और सभी एक एक नंबर के रहेंगे। इसके साथ में रहेंगे कि अल्टरनेटिव शॉर्ट आंसर रिक्वायरिंग क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये हो गया, तो ये एक तरीके से देखेंगे तो एग्ज़ाम में आता है, ये लिख कर आता है, ये ग्रुप ए में। जैसे अभी क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, ये ग्रुप ए में जैसे ये क्वेश्चन अभी देखे थे जूलॉजी एंड आर्ट्स का, तो यहाँ पर तो खैर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये वाला आता है ग्रुप ए में आता है, जिसमें ये 15 क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ 1 2 फिर आगे देख लेते हैं, इसमें 3 4 5 6 इस प्रकार से यहाँ पर 15 तक जाए, देख सकते ये 15 तक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री ऑफ फॉलोइंग, तो ये अल्टरनेटिव है। ये 15 क्वेश्चन बनाइए, आप 15 नंबर का रहता है, या आप इसमें से कोई 3 बनाइए, 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5 ऑप्शन में से ये 3 बनाइए, एक एक 5 नंबर का है, 3 बनाना है चाहे ये बनाइए। तो एक तरीके से ये जो भी हो, मतलब बस समझना है ग्रुप ए नीचा लिखा हुआ, लेकिन वो सॉरी, लेकिन ये वाला बात जो लिखा हुआ है 15 ये रहता है। आप ये 15 ऑब्जेक्टिव ही बनाइए, या आप ये तीनों चीज़ लिख दीजिए। अगर अच्छा से कन्फर्म है तो, अगर अच्छा से पता है तो कोई भी बना सकते, लेकिन अधिकतर तो स्टूडेंट यही बनाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों में से कोई बनाना है। तो ये एक तरीके से कितना नंबर का ये हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 15 नंबर का। तो ये हो गया, उसके बाद देखेंगे तो ग्रुप बी में क्या होता है। ग्रुप बी में देखेंगे तो इसमें यहाँ पर ये सभी चीज़ शामिल होता है, कि जैसे, या इसको हम कोई ग्रुप नहीं, ये सीधे क्वेश्चन रहता है 15, आप 3 सब्जेक्टिव बना दीजिए या 15 ऑब्जेक्टिव बना दीजिए। इसको हम ग्रुप ए मानते हैं, स्टडी के हिसाब से हम ग्रुप इसको ए मानते हैं। तो ए में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, तो सबसे पहले देखेंगे तो प्रोटोजोआ से शुरू करते हैं, जो फाइलम है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोटोजोआ, इसको छोटा कर देते हैं। प्रोटोजोआ हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे प्रोटोजोआ के बाद क्या आता है, पॉरीफेरा हमें जानना होगा। उसके बाद पॉरीफेरा के बाद थर्ड आता है, देखेंगे तो ये प्रोटोजोआ पॉरीफेरा, उसके बाद नीडेरिया या नाइडेरिया भी कह सकते हैं, नाइडेरिया आता है। फिर उसके बाद चौथा में आता है वह टीनोफोराई, CTNOPHORI टीनोफोरा। उसके बाद आता है प्लेटीहेलमेंट्स, 5 में है प्लेटीहेलमेंट्स। इस प्रकार से ये वाला पॉइंट देखेंगे तो ये हो गया ग्रुप ए। या अब फिर आप उसके बाद देखते हैं ग्रुप बी। जैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन में जिस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये जूलॉजी ऑनर्स पेपर 15 ऑब्जेक्टिव, ये यहाँ तक तो समझ गया कि ये 15। उसके बाद ये ग्रुप ए में दिया हुआ है जो लिखे हैं, जैसे यहाँ पर जो लिखे हैं कि प्रोटोजोआ पॉरीफेरा नीडेरिया टीनोफोरा प्लेटीहेलमेंथीज, ग्रुप ए वाला में से इतना ही में से क्वेश्चन रहता है। देख सकते हैं आप, क्वेश्चन पढ़ भी सकते, जैसे यहाँ पर है पॉरीफेरा से रिलेटेड है, तो ग्रुप ए वाला जो बताए थे वो आ गया ग्रुप ए में। फिर उसके बाद है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर फॉर्म ऑफ फैसियोला हेपेटिक है, ये भी इसी ग्रुप में आ गया ए में। फिर स्पॉन्जेस के बारे में है, तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये ग्रुप ए है। अब ग्रुप
बी ग्रुप बी में कहाँ से इससे आगे जान सकते प्लेटी हेलमेट्स के बाद आता है एनिलिडा। ये हमें एनिलिडा जानना होगा। उसके बाद एनिलिडा के बाद ये सिक्स लिख देते हैं। उसके बाद है सॉरी ये प्लेटी हेलमेंथिस, ये एस्क हेलमेंथिस भूल गए थे, एस्क हेलमेंथिस ये हमें जानना होता है। उसके बाद एस्केल हेलमेंथिस क्या होता है एनिलिडा जानना होगा। उसके बाद सेवेंथ में हम जानेंगे एनिलिडा के बाद होता है आर्की एनिलिडा, आर्की एनिलिडा। उसके बाद हमें जानना होगा आर्की एनिलिडा, एनिलिडा और आर्की एनिलिडा, ये एनिलिडा से पुराने समय के जो जीव थे जो ऑर्गेनिज्म थे ये आर्की एनिलिडा में जानेंगे। उसके बाद एट में देख लेते हैं आर्की एनिलिडा के बाद हम जानेंगे इक्टोप्रोक्टा, ये जानेंगे सॉरी इक्टोप्रोक्टा से पहले हैं आर्थ्रोपोडा के बाद आता है यहाँ पर नौ में इक्टोप्रोक्टा। उसके बाद आता है नौ के बाद यहाँ पर देखेंगे तो दस में आता है मोलस्का के बाद आएगा ग्यारहवा में देखेंगे तो इकाइनोडर्माटा। और लास्ट मतलब लास्ट में हमें जानने को मिलेगा इकाइनोडर्माटा के बाद होता है हेमी कॉर डाटा डाटा। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं ग्यारहों फाइलम के बारे में हम जानेंगे जो यहाँ ग्यारह नहीं टोटल बारह है। तो देख लिए कि ग्रुप ए इस प्रकार से क्वेश्चन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस कराएंगे ही ये आगे, बस सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये प्रोटोजोआ में कौन कौन जीस पढ़ेंगे वो सभी वीडियो मिल जाएगा आपको, पॉलीफेरा में ये सभी में तो सभी। यहाँ पर जो हम जूलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो जूलॉजी ऑनर्स में बता दिए थे कि ये सभी सब्जेक्ट जो यहाँ पर लिखे हुए सभी आपको आराम से पढ़ने को मिल जाएगा बैठे बैठे। और जो स्कूल की कुछ खास बात होती रहेंगी तो यहाँ पर भी हम बताने की कोशिश करेंगे। तो प्रोटोजोआ में जैसे हम कौन कौन ऑर्गेनिज्म को जानेंगे प्रोटोजोआ में, तो ऐसे तीन हम जानेंगे तो यही तीन में से सिलेबस में लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख देते। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे वो है पैरामीशियम। उसके बाद सेकेंड ऑर्गेनिज्म यहाँ पर लिख देते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटी का। उसके बाद थर्ड में जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर लेशमेनिया डोनोवानी। ये प्रोटोजोआ में हम जानेंगे प्रोटोजोआ में कौन कौन ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, तो पैरामीशियम इंटमीबा हिस्टोलिटिका लेशमेनिया डोनोवानी। और फिर अगर पॉलीफेरा में आएंगे तो पॉलीफेरा में हमें ये पढ़ने को सिलेबस में है, पॉलीफेरा में जानेंगे कि कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेज। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार से आएगा, जो क्वेश्चन हर साल तो ऐसा ही इसी तरह के क्वेश्चन आता है, जैसे जो 2020 में आया जो सिलेबस में वही बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर है कि गिव एन अकाउंट ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस, ये बता दिए सिलेबस में भी दिया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन बार बार आता है, बहुत ही ईजी है। तो वही कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। उसके बाद सेकेंड में हम पॉलीफेरा में जानेंगे कि हिस्टोलॉजी ऑफ स्पॉन्जेस, कि इसमें किस प्रकार से सेल सभी है वो जानेंगे, तो वही हिस्टोलॉजी ऑफ स्पॉन्जेस बहुत ही ईजी यहाँ पर है। तो प्रोटोजोआ में ये जानेंगे, पॉलीफेरा में ये जानेंगे, उसके बाद देखेंगे नाइडेरिया में क्या जानेंगे।
इसमें जानेंगे हम ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो कौन कौन ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें एक्सप्लेन के साथ जानना है, तो इसमें भी तीन ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हो गया ऑबेलिया, उसके बाद हो गया ऑरेलिया, मतलब ऑरेलिया, फिर उसके बाद हो गया सी एनिमोन। ये सभी सिलेबस में है, तो वही अभी लिखा रहे सी एनिमोन। तो निडेरिया में हमें ये सभी चीज़ जानने को मिल पढ़ना है। उसके बाद तीनों फोरा में आएंगे, तो तीनों फोरा में भी केवल हॉर्मी फोरा के बारे में हमें जान पढ़ने को मिलेगा। हॉर्मी फोरा एक ऑर्गेनिज्म आता है टीनो फोरा का, तो हम ये जानेंगे, इसी के बारे में एक्सप्लेन के साथ जानेंगे। उसके बाद आता है प्लेटी हेलमेंथिस। इस प्लेटी हेलमेंथिस में हम जानेंगे कि कौन कौन ऑर्गेनिज्म शामिल है, जैसे फैसियोला हिपैटिका, यहाँ पर लिख देते हैं प्लेटी हेलमेंथिस में कि फैसियोला हिपैटिका। उसके बाद टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, स्पेलिंग का हमेशा खासकर ध्यान रखें कि ये सही ही रहना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल आता है हमें ग्रेजुएशन की क्लास में। उसके बाद पैस के हेलमेंथिस में देखेंगे, तो इसमें भी हमें दो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना है, वो है एस्केरिस लुम्ब्रिकोट्स, एक ये ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें जानने को मिलेगा, बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। और एक जानना है यूचेरिया बैंकक्रॉफ्टी के बारे में, WOU, या सीधे होता है WU, यूचेरिया बैंक, यानी कि बैंकक्रॉफ्टी, ये स्पेलिंग सही है। मतलब इस प्रकार से ग्रुप ए में हमें ये प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस और एस के हेलमेंथिस के बारे में जानना है। और ग्रुप बी में हमें क्या जानना है, जो यहाँ पर सिलेबस से ये पेपर वन का बताते हैं, यानी कि जो एक बार एग्ज़ाम होगा आपका जूलॉजी ऑनर्स का, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ग्रुप बी में देखते हैं, तो ग्रुप बी में कौन कौन है, एनिलीडा है, तो एनिलीडा में हम जानेंगे यहाँ पर, एक तो जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कौन कौन ऑर्गेनिज्म के बारे में बता देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद हम जानेंगे इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सभी एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद हम जानेंगे ब्लड वास्कुलर सिस्टम, या इसको हम सर्कुलेशन सिस्टम भी कह सकते हैं, सिंपल है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की कौन कौन ऑर्गेनिज्म्स के बारे में जानेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ये तीनों क्या जानेंगे, फेरी टीमा, उसके बाद नेरिस एंड लीज के बारे में हम जानेंगे, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम जानेंगे, ये तीनों ऑर्गेनिज्म के बारे में। फिर उसी प्रकार से एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हम जानेंगे, ऑफ किसका किसका, फेरी टीमा के बारे में, नेरिस के बारे में, लीज के बारे में। ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी हम जानेंगे, फेरी टीमा के बारे में, नेरिस के बारे में, लीज के बारे में। तो ये सभी सिलेबस में हमें जानना है एनिलीडा में, अगर आर्किया एनिलीडा में आ जाए तो आर्किया एनिलीडा में हमें ये जानने को मिलेंगे। जैसे हमें इसमें केवल हमें जानना है कि पॉलीगॉर्डियस का जो स्ट्रक्चर एंड एफिमिटिस है, उसी कारण जानेंगे। तो वहाँ पर पॉलीगॉर्डियस नाम ज़रूर सुने होंगे, पॉलीगॉर्डियस का स्ट्रक्चर एंड एफिमिटिस हमें ये जानने को मिलेगा। उसके बाद ये आर्कियानिलीडा में है, उसके बाद है ऑर्थ्रोपोडा में हम कौन कौन सी जानेंगे, तो ऑर्थ्रोपोडा में ये सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं कौन कौन ऑर्गेनिज्म, जैसे हो गया पैलिएमोन, जैसे ये जिसको झींगा मछली कहते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में हमें ये जानने को मिलेंगे। उसके बाद हम और ऑर्गेनिज्म जिसको पेरिपेटस कहते हैं, पेरी
पेटस स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर एंड हम और कौन सी इसके बारे में जानेंगे, एफिनिटीज के बारे में, एफिनिटीज। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर सैकुलिना, एस ए डबल सी यू सैकुलिना। उसके बाद है इंसेक्ट माउथ पार्ट, इंसेक्ट माउथ पार्ट्स, तो हम ये सभी जानेंगे। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ ये माउथ पार्ट्स ऑफ हनी भी है, तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन के साथ किस प्रकार से इसको यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इसको हम बाद में इससे और हैंड रिटन नोट्स सही तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे, और नोट्स जो मिलेगा वो तो बताएंगे कि हर लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर में पूरा उस जो अगर ये है प्रोटोजोआ तो प्रोटोजोआ में ये सभी चीज़ आनेंगे, पैरामीशियम, इंटरमीडिया, लिशमानिया, डोनोवानी, तो वो इसी लेक्चर पैरामीशियम के पहला ही लेक्चर में आपको प्रोटोजोआ के जितना भी सारा नोट्स रहेगा वो सभी आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से हम आर्थ्रोपोडा में तो ये बताए हैं कि पेरियमोन पेरिपेटस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन के साथ जानेंगे, इसके बाद जानेंगे इंसेक्ट के माउथ पार्ट के बारे में, तो इंसेक्ट के माउथ पार्ट में कौन कौन आते हैं वो उस समय बता देंगे, जैसे हनी बी हो गया, हनी बी के माउथ पार्ट जैसे हनी बी हो गया, उसके बाद और इंसेक्ट इम्पोर्टेंट क्या है तो जैसे हाउस फ्लाई हो गया, ये भी इंसेक्ट में आता है, उसके बाद मॉस्किटो के माउथ पार्ट के बारे में जानेंगे, ये सभी जानेंगे हम आर्थ्रोपोडा में। उसके बाद इक्टोप्रोक्टा, ये नया नाम सुने हैं, तो नया नाम तो एक तरीके से हम दो तीन बार सुन चुके हैं लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं जाने, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, ये भी एक तरीके से फाइलम है। तो इक्टोप्रोक्टा में हमें केवल जैसे देखे होंगे आप ज़रूर बगला को, बगुला जिसको हम लोग कहते हैं, उसी के बारे में हम जानेंगे तो इक्टोप्रोक्टा में। अब मोलस्का में हमें क्या जानने को मिलेगा, मोलस्का में हमें पढ़ना है ये सभी चीज के बारे में, जो टॉर्सन एंड डिटॉर्सन इन, डिटॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा। हम ये मोलस्का में जानेंगे जो गैस्ट्रोपोडा है उसी के बारे में जानेंगे, फिर मोलस्का में और हमें जानना है रिस्पायरेटरी सिस्टम किसके किसके बारे में, तो यहाँ पर मोलस्का में हमें जानना है रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ रिस्पायरेशन किस प्रकार से होता है वो जानेंगे हम ये तीनों के बारे में। यूनियो एक ऑर्गेनिज्म होता है, पीला भी ऑर्गेनिज्म होता है, उसके बाद सेपिया एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि मोलस्का होता है, तो हम मोलस्का के यूनियो पीला सेपिया के रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जानेंगे किसके किसके बारे में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ये भी जानेंगे यूनियो के पीला के पीला एंड सेपिया के जानेंगे जब मोलस्का जानेंगे, तो उसके बाद इकाइनोडर्माटा जब हम पढ़ेंगे तो उस समय हम जानेंगे वाटर वास्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्माटा के ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्माटा में किस प्रकार होता है वो जानेंगे। उसके बाद हेमिकोडर्माटा में देखेंगे तो एक केवल ऑर्गेनिज्म होता है ब्लांगोलोसस जिसको हम कहते हैं यहाँ पर ब्लांगोलोसस, मतलब देख सकते हैं पेपर वन में इतना सारा हमें जान पढ़ना है, ये सभी आप पढ़ेंगे, ये पेपर वन जो बता ही चुके हैं कि देख सकते हैं यहाँ से लेकर क्वेश्चन जूलॉजनिस पेपर वन है, तो ये किस प्रकार से होता वही है, ये हो गया क्वेश्चन, फिर ये हो गया यहाँ पर क्वेश्चन और यहाँ तक है, तो पेपर वन में ये पूरा देखेंगे तो टोटल कितने नंबर का हो गया, तो ये तो नंबर वाला अच्छा, ये किस प्रकार से हमें जानना है ये हो गया, और क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे 15 नंबर का तो ऊपर ये हो गया, फिर ग्रुप ए में से आता है
30 मार्क्स और फिर ये ग्रुप बी भी रहता है 30 मार्क्स का। मतलब आप ये पूरा पढ़ेंगे तो जो यहाँ नीचे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको 30 नंबर के पूछेंगे, मतलब 30 नंबर का ही बनाना है पूरा। पढ़ने पर 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर ये आप पढ़ेंगे पूरा तो 30 नंबर का, ये 15 नंबर का, और बाद बाकी 30 और 30 से 60 और 15 यहाँ पर हो रहा है टोटल 75। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 75 और 25 नंबर बच गया तो 25 प्रैक्टिकल का हो जाएगा। तो इस प्रकार से पेपर वन में हमें ये सभी चीज़ हमें पढ़ने को मिलेगा। और जैसे क्वेश्चन भी यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ जूलॉजी जो पेपर वन है ये पता ही चुके हैं। तो देख सकते हैं ये ग्रुप ए में बनाना है, ग्रुप बी बनाना है, तो ये सभी रहता है क्वेश्चन 10-10 नंबर का। तो अच्छा से जब क्वेश्चन हम देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। लेकिन सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है ग्रुप ये तो बता दिए, जूलॉजी पेपर वन में क्या पढ़ना है। अब हम जानेंगे कि पेपर टू में हमें कौन कौन सब्जेक्ट, मतलब कौन कौन चीज़ पढ़ना होता है जो पेपर टू में है। अब हम पेपर टू में जानते हैं, पेपर टू में एक तो सिंपल है, सेम पैटर्न है, बस क्या क्या पढ़ना है वो जानेंगे। जैसे जानते पेपर टू मतलब आपको फिर जूलॉजी का एक बार और एग्ज़ाम होगा, एक बार दे दिए तो एक बार और, यानी कि एक साल में आपको जूलॉजी का एग्ज़ाम 2 बार देना होगा और सब्जेक्ट का एक ही बार। तो यहाँ जो लिखा हुआ है जैसे जूलॉजी ऑनर्स पेपर टू, तो इसमें हम क्या क्या जानेंगे, तो ये भी सेम पैटर्न होता है जो पहले था। ये 15 ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप ये सॉल्व कीजिए या आप ये 15 नंबर का सॉल्व कीजिए। फिर उसके बाद ग्रुप ए ग्रुप बी है, तो इसी प्रकार से सेम पेपर वही है। तो ये तो क्वेश्चन बाद में हम सॉल्व कराएंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरे चैप्टर आपको सही तरीके से प्रोवाइड हो जाएगा। तो अब पेपर टू में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ये तो पहले बता दें कि इसमें भी 15 ऑब्जेक्टिव रहेगा, आप ये सॉल्व कीजिए, यानी कि 15 ऑब्जेक्टिव या आप 3 सब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, सॉल्व इन 5 क्वेश्चन। आपको जो पहला रहेगा पहला क्वेश्चन ये कंपलसरी, ये दोनों में से कोई एक काम करना होगा, 15 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए या 3 ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दीजिए इन 5 क्वेश्चन में से, तो ये आपको कंपलसरी रहेगा। अब फिर हम आ जाते हैं तो ग्रुप ए में हमें क्या क्या करना है, पेपर टू के ग्रुप ए में तो हमें ग्रुप ए के सिलेबस यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं, ग्रुप ए में जैसे यहाँ पर है ग्रुप बी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे हमें जानना होता है इसमें इकोलॉजी के बारे में, यहाँ पर लिख देते हैं इकोलॉजी। हम जानेंगे इकोलॉजी के बारे में जब पेपर टू में, तो इकोलॉजी में कौन 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 किस किस चीज़ के बारे में जानेंगे वो, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ इकोलॉजी का सिलेबस। तो मतलब यहाँ लगभग 8-10 लाइन लगेगा। फिर यहाँ पर हम शुरू करेंगे बायोमेट्रिक के बारे में। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इकोलॉजी में हमें कौन कौन चीज़ जानना है। तो इकोलॉजी में हमें ये बात जानना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फेयर में जैसे होता है लाइथोस्फेयर, उसके बाद हाइड्रोस्फेयर, उसके बाद एक मेन आता है जो कि एटमॉस्फेयर आता है। एटमॉस्फेयर मतलब किस प्रकार से क्या क्या होता है काम वो जानेंगे। जैसे ये लिथोस्फोर में मिट्टी से रिलेटेड हो गया, हाइड्रोस्फोर जल के चारों तरफ कैसा कैसा चीज़ पाया जाता है, एटमॉस्फेयर उसके बारे में जानेंगे। ये इकोलॉजी में पहला चीज़ ये जानेंगे। उसका सेकेंडरी चीज़ आता है इकोलॉजी में जो हम ये इकोसिस्टम आता है, ये इकोलॉजी के अंदर ही है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जानेंगे हम डेफिनेशन
डिफिनेशन ऑफ मतलब डिफिनेशन, उसके बाद जानेंगे हम स्ट्रक्चर, डिफिनेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जानेंगे, फंक्शन ऑफ टिपिकल इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड मतलब इकोसिस्टम में हम ये चीज़ जानेंगे, डिफिनीसन जानेंगे बहुत सारे चीज़ों का, और स्ट्रक्चर जानेंगे और फंक्शन जानेंगे जो टिपिकल इकोसिस्टम पूरी दुनिया में रहता है वो चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो इकोलॉजी में भी हमें ये जानना है, उसके थर्ड में हमें जानना है यहाँ पर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जिसमें वो बायोटिक भी शामिल रहेगा एंड ए बायोटिक भी है शामिल, उसके बाद स्ट्रक्चर हो गया एंड जानेंगे फंक्शन जानेंगे। फंक्शन में जैसे हो गया बहुत सारा फंक्शन होते रहता है, जैसे फंक्शन में यहाँ पर लिख देते हैं एनर्जी फ्लो होते रहता है इकोसिस्टम में, एनर्जी फ्लो, उसके बाद बायो जियो केमिकल वाला के बारे में जो होते रहता है फंक्शन वो जानेंगे। फिर यहाँ पर जानेंगे हम एक बायो जियो केमिकल साइकिल, एक ये होते रहता है उसमें ऑफ फ्रेश वाटर, ये हम जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर है डिजर्ट एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में हम जानेंगे, डिजर्ट एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। उसके बाद 1, 2, 3 उसके बाद फोर्थ में देखेंगे तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जानेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है वो हम इसमें जानेंगे ग्रुप ए के इकोलॉजी वाला पार्ट में। उसके बाद देखेंगे तो क्या होता है जनरल, हमें इकोलॉजी में पढ़ेंगे जो कि जनरल जनरल कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन के बारे में हमें इसी में पढ़ने को मिलेंगे पॉल्यूशन। उसके बाद इट्स सोर्स एंड हजार्ड्स, इसके क्या क्या सोर्स है, इट्स सोर्स एंड हजार्ड्स क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं तो हम ये जानेंगे। उसके बाद आता है हमें इसमें जानेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, किसी जंगली जानवर को किस प्रकार से कंजर्व करेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो हमें यही सब के बारे में जानना है एक्सप्लेन के साथ, इकोलॉजी हो गया। उसके बाद देखते हैं बायोमेट्री में, तो बायोमेट्री में ये हम जानेंगे मीन, उसके बाद हो गया मोड, फिर हो गया मेडियन, बायोमेट्री में हमें यह जानना है। फिर उसके बाद आता है सेकेंड में जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो सीरियली पढ़ेंगे वही लिख देते। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है ये वीडियो देखिए, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो हमें सिलेबस से पढ़ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेकेंड में यहाँ पर है मीन मोड मीडियन, थर्ड में हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, फोर्थ में यहाँ पर लिख देते हैं स्टैंडर्ड एरर। फिर यहाँ पर फिफ्थ में आ जाते हैं तो काई स्क्वायर। फिर उसके बाद सिक्स्थ में देखते हैं तो कोरिलेशन, उसके बाद सेवन में आ जाते हैं तो इसमें है टी टेस्ट। तो हमें ये पूरे पढ़ने के बाद इतना चीज़ पढ़ेंगे तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये रहता है 70 नंबर के, मतलब 75 नंबर का पूछा जाता है और रहता है। यानी कि अगर आप जैसे ग्रुप बी में क्वेश्चन देख ले, अगर आपको फुर्सत मिले तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा साफ आ जाएगा ये क्वेश्चन है। तो ये पढ़ेंगे तो इसी सभी टॉपिक में से आएंगे। फिर इस साइड भी है तो इस साइड भी देखेंगे तो उसी टॉपिक में से है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं। तो बहुत ही ये ऐसे कर देते हैं तो यही है। तो इस प्रकार से सिलेबस है, तो ये
दोनों पेज का जो सिलेबस यहाँ पर लिखे हैं ये दोनों आपको मेरे ही चैनल पर मेरे ही द्वारा पढ़ाए जाएंगे, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए फिर पढ़ेंगे। उसके बाद पास फेल के बारे में कुछ हम बता देते हैं और धीरे धीरे तो जान आगे जानेंगे। जैसे इस पेज इस कॉपी में जैसे लिखे हो यहाँ पर कि पार्ट वन में जैसे पेपर वन पेपर टू रहेगा 75 मार्क्स का, जो यहाँ पर कैसे रहेगा वो तो देख चुके हैं, प्रैक्टिकल रहेगा दोनों वाला मिलाकर 25-25 यानी कि 50 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा, और ये 75-75 150 नंबर का ये जूलॉजी ऑनर्स वाला रहेगा। तो हमें यही सब जानना है। उसके बाद यानी कि पेपर वन में 75 मार्क्स होते हैं ऑनर्स के लिए, तो उसमें 33 नंबर कम से कम चाहिए पास होने के लिए, इसमें भी 33 नंबर चाहिए। अगर आपके पास आया टोटल 66 नंबर तो आप फेल हो जाएंगे, यानी कि मिनिमम 33-33 चाहिए। कोई में अगर आपका 34 है और एक में 33 तो आप ऐसे पास हो सकते हैं। तो इस प्रकार से पास होने के लिए नंबर चाहिए, तो ये बात बता, लेकिन प्रैक्टिकल में पास होने के लिए 23 चाहिए। धीरे धीरे आप जुड़े रहिए, आप सब जान जाएंगे। उसका सब्सिडियरी का क्या सिलेबस है ये सभी हम सिलेबस के बारे में हम बता देंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और हम ये सभी शुरू करेंगे। यहाँ से प्रोटोजोआ से शुरू करेंगे, पैरामीशियम के बारे में जानेंगे। तो आज सिलेबस के लिए हम यहाँ पर बताएंगे जो बच गया और कौन कौन सब्जेक्ट यहाँ पर बच गया, जो इसमें जैसे यहाँ पर है जूलॉजी बच गया के मतलब जूलॉजी तो हो गया, केमिस्ट्री बॉटनी हिंदी इंग्लिश ये सभी का हम नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे सिलेबस। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आपका शुक्रिया, पढ़ते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।